नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल शर्मा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच की समाप्ति हुई, जहां पे रविचंद्रन अश्विन ने 12 विकेट झटके। लेकिन मैच के बाद जिस तरीके से पूर्व कोच अनिल कुंबले ने भारतीय टीम को ऐसे खिलाड़ी को वापस लाने के लिए कहा है जो अभी 15 सदस्यीय टीम में भी नहीं है, वो खिलाड़ी आपको बता दूं स्पिनर है, जो अपने पिछले मुकाबले में 8 विकेट झटक चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं कुलदीप यादव की। दरअसल चर्चा चल रही थी कि भारत में लेग स्पिनर बहुत कम हो रहे हैं, जिस पर अनिल कुंबले ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि नहीं, लेग स्पिनर है आपके पास, लेफ्ट आर्मर लेग स्पिनर, चाइनामैन कह सकते हैं। कुलदीप यादव के रूप में आपके पास एक अच्छा लेग स्पिनर है जो टेस्ट में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर सकता है और लगातार करते हुए भी आया है। 2017 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने डेब्यू किया था और 6 सालों में सिर्फ 8 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जहां पे 30 से ज्यादा विकेट लिए हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके की गेंदबाजी कर सकते हैं वो। लेकिन लगातार अंतराल के बाद उनको मौके नहीं मिले हैं भारतीय टीम में, और यही कारण है कि उनको दोबारा वापस लाने के लिए एक तरीके से पूर्व महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले को फोर्स किया जा रहा है, एक तरीके से फोर्स कर रहे हैं सेलेक्टर को कि उनको टीम में लाना चाहिए। क्योंकि दिसंबर 2022 में उन्होंने बांग्लादेश में अपना आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला था, जहां पर पहली पारी में 5 विकेट, दूसरी पारी में 3 विकेट लेने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन उसके बाद देखिए, ना बॉर्डर का उसका ट्रॉफी में मौका मिला, ना ही आगे। तो कह सकते हैं कि उनके साथ हमेशा बुरा होता है, जब भी वो 5 विकेट हॉल लेते हैं उसके अगले ही मैच में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ये उनके साथ थोड़ा सा कह सकते हैं अच्छा नहीं हुआ। लेकिन कुलदीप यादव टेस्ट में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। वैसे तो अभी दो पेयर जो कह सकते हैं कि रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की पेयर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है, जहां पे पहले टेस्ट मुकाबले में देखने को मिला। लेकिन इनके बाद कुलदीप यादव अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। अक्षर पटेल भी उस लिस्ट में है, अगर दोनों में से किसी एक को खिलाना होगा तो। अक्षर पटेल अभी थोड़े से आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन अनिल कुंबले का सीधा कहना था कि उनको 15 सदस्यीय टीम में शामिल करना चाहिए और उनको आगे मौके देने चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट के प्रॉपर सही गेंदबाज है, जो अपने कह सकते हैं गूगली से और गति से जिस तरीके से डालते हैं वो बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या कुलदीप यादव को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।